हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रे झंडा चढ़ाने की रस्म आरती के साथ शुरू हो गए हैं। हालांकि इस बार नवरात्र पूजन से श्रद्धालु महरूम रहेंगे, लेकिन प्राचीन परंपराओं के मुताबिक नवरात्रों के दौरान मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन चलता रहेगा। आज से शुरू हुआ मंदिर में पूजा पाठ अगले 9 दिन तक चलता रहेगा और पूजा पाठ के साथ साथ हवन यज्ञ भी रोजाना किया जाएगा। यमलेंद्र कुमार ने बताया कि मां नैना देवी के प्राचीन हवन कुंड में कोरोना वायरस की महामारी से नाश के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का हवन किया जा रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भी प्रार्थना की है कि वे घर बैठकर नवरात्रि पूजा करें और मां से प्रार्थना करें कि इस महामारी का अंत शीघ्र हो सके। नवरात्रों का जो हवन पूजा पाठ शुरू हो चुका है वो लगातार 9 दिन चलेगा और माता का रोज यज्ञ होगा, जिसमें पुजारीगण और विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के लिए और जन कल्याण के लिए होम अगन हवन वगैरह इत्यादि करेंगे, ताकि माता की कृपा बने और इस महामारी से पूरे विश्व का कल्याण हो। के लिए देवी माता का यज्ञ किया जा रहा है, उसमें आम तेजपत्र वगैरह, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ जो हमारे हिमालय में होती हैं वो डाली जा रही हैं, जिससे जल्द ही हमें विश्वास है कि माता जल्द ही नवरात्रों के अंदर अंदर इस महामारी को विश्व से और हमारे देश से ख़त्म करेगी। इस पर हमारा पूर्ण विश्वास है। माता के सभी पुजारियों का यही मानना है और सभी भक्तजन नवरात्रों के समय अपने अपने घर में पूजा पाठ करें, ताकि इस विपत्ति से पूरे देश का और विश्व का कल्याण हो।